करोड़पति जी हाँ, ये सिर्फ एक गेम शो नहीं है बल्कि इसमें प्रतिभागियों के जरिए अलग अलग कहानियां भी आती हैं जो दिल को छू लेती हैं, जो इंस्पायर करती हैं। और एक ऐसी ही कहानी जयपुर की अर्पिता यादव की है। अर्पिता ने शो में बताया कि उनका बेटा दिव्यांग है, वही उनका गुरु भी है। अर्पिता ने डिस्लेक्सिया के बच्चों से आम व्यवहार करने की अपील करते हुए कहा कि आज मैं जो भी हूँ अपने गुरु और अपने बेटे की वजह से हूँ, मगर जब उसका जन्म हुआ था तो उन्हें लगा कि ये क्या हुआ है। दिव्यांग बच्चों की टीचर अर्पिता के संघर्ष की दास्तान सुनकर अमिताभ बच्चन भी काफ़ी हैरान रह गए थे और इसके बाद उन्होंने अर्पिता के मिशन में उनका साथ देने का वादा किया था। आपने शानावस्ती को देखा है, वो बच्चा कितना अच्छा, सब कुछ में अच्छा था, केवल क्या नहीं कर पा रहा था, पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। तो ये बच्चे भी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं कर पाते उस तरीके से जिस तरीके से स्कूल में सिखाई जा रही है। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, लेकिन इनको इनके तरीके से सिखाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ये परसेंटेज भी बहुत बड़ा है,